Hello everyone, welcome to my channel. My name is Tanvi. If you are new to my channel, please consider subscribing. And if you have already subscribed, thank you for subscribing. चलते हैं आज की वीडियो में. आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए तीन ऐसी एक्सरसाइजेस जो आपकी मम्मी टमी का ध्यान रखेंगी. डिलीवरी के तुरंत बाद हम लोग को टेंशन हो जाती है कि वेट लॉस कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, तो उसकी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको सिंपली ये एडवाइस करना चाहूँगी कि आपको इस प्रोसेस में काफ़ी स्लो जाना है. आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ डिलीवरी आपको स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइजिंग रूटीन. और ये जो तीन एक्सरसाइजेस हैं ये काफ़ी बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, आपके कोर को स्ट्रेंथन करेंगी, आपकी स्ट्रेंथ को रीगेन करने में बहुत हेल्प करेंगी और साथ ही आपकी बेली फैट को घटाने में भी बहुत अच्छी हेल्प करेंगी. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ. ध्यान रखें कि आपको रश नहीं करना है एक्सरसाइज करने के लिए. थोड़ा टाइम वेट करें डिलीवरी के बाद. एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम आपको देना चाहिए आपकी बॉडी को रिकवर होने के लिए. और कोई भी एक्सरसाइज रूटीन या योगा स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर का एडवाइस ज़रूर लें. सो जो तीन एक्सरसाइजेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो काफ़ी बेसिक एक्सरसाइजेस हैं. आप शुरुआत में जब अपना एक्सरसाइजिंग रूटीन बनाए तो उसमें आप इन एक्सरसाइजेस से स्टार्ट कर सकते हैं. और अगर डेली बेसिस पे आप ये एक्सरसाइज करेंगे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए भी, तो काफ़ी फ़र्क आएगा आपके बेली फैट में. तो चलिए वीडियो देखते हैं और समझते हैं ये एक्सरसाइजेस हमें कैसे करनी. हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल है. आप अपने चाहे तो योगा मैट भी लगा सकते हैं, उसके ऊपर लाई डाउन करें. लाई डाउन करने के बाद आपको अपने पैर जो हैं वो 90 डिग्रीज पे ऊपर की तरफ उठाने हैं. पैरों को आप 90 डिग्रीज पे रखें और उसके बाद वन बाय वन आप दोनों पैरों में से एक पैर को टोज जो हैं ज़मीन पे टच करने की कोशिश कीजिए. पहले राइट लेग कीजिए, फिर लेफ्ट लेग कीजिए और ये जो चीज़ है इसको आप रिपीट कीजिए. अब जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको अपने कोर को स्ट्रेंथन करना है, यानी कि जो आपका स्टमक है, स्टमक एरिया, वहाँ पे जितने भी मसल्स हैं उसको काफ़ी स्क्वीज करना है. सारा एंगेजमेंट जो है आपको अपने स्टमक पे रखना है. जब आप स्टमक पे एंगेजमेंट रखते हैं तो कोर काफ़ी स्ट्रेंथन होता है. ये एक्सरसाइज लगती सिंपल है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव होती है आपकी कोर को स्ट्रेंथ करने में. ये फर्स्ट वेरिएशन है टैप टोज का. इसका जो सेकंड वेरिएशन है उसमें हम दोनों लेग्स के साथ साइमल्टेनियसली टैप टोज करते हैं, जैसे कि ये देखिए. अब इसमें मैं दोनों पैरों से साइमल्टेनियसली जो टोज हैं उनको ज़मीन पर टच करने की कोशिश करूँगी. अगर आपसे टच नहीं होते हैं तो बहुत फोर्स लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है. धीरे धीरे आप ये एक्सरसाइजेस करें, अपनी ब्रीदिंग पर भी ध्यान रखें और एंगेजमेंट पूरा आपके स्टमक मसल्स पर रहे. सेट्स में दोनों वेरिएशन को आप रिपीट करें. एटलीस्ट 3 सेट आप कर सकते हैं दोनों वेरिएशन में. और धीरे धीरे जैसे आपका स्टैमिना बढ़ेगा तो आप इन एक्सरसाइजेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा सकते हैं. सेकेंड एक्सरसाइज में आप अपने पैर जो हैं उन्हें बेंड कीजिए और वैसे ही लाई डाउन करना है और आपका जो हिप पोर्शन है उसे आपको लिफ्ट करना है. सिर्फ आपका जो चेस्ट है, आपका हेड, वो लाई डाउन करना चाहिए ज़मीन पे और आपका जो हिप से लेकर एरिया है लेग्स तक का वो आपको लिफ्ट करना है. लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए, काउंट टिल 3 एंड देन रिलैक्स. बहुत धीरे धीरे ये एक्सरसाइज करेंगे, आपकी कोर काफ़ी अच्छे से स्ट्रेंथन होगी. और इस एक्सरसाइज को भी आप 10 टाइम्स रिपीट कीजिए और एटलीस्ट 3 सेट्स जो हैं इस एक्सरसाइज के कीजिए. सारी एक्सरसाइजेस के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि एंगेजमेंट आपका कोर पे होना चाहिए, यानी कि स्टमक की मसल्स पे. और ब्रीदिंग का आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत स्लोली स्लोली स्टार्ट कीजिए, रश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. थर्ड एक्सरसाइज में आप अपने घुटनों के बल और हाथों के बल बॉडी को रेस्ट करेंगे. इसमें आप डीप ब्रीथ करने के बाद अपनी बॉडी को कर्व करने की कोशिश करेंगे और स्पाइन जो है इसमें आपकी कर्व होनी चाहिए ऊपर की तरफ. आपको जो ध्यान रखना है वो अगेन यही है कि एंगेजमेंट आपका पूरा कोर पे होना चाहिए. आपको अपने स्टमक को
पूरी तरह से स्क्वीज करना है, ग्लूट्स को स्क्वीज करना है, सिर को अंदर की तरफ मोड़ के उसके बाद स्पाइन को कर्व करना है। एक्सरसाइज रिपीट करें, स्लोली करें और उसके बाद रिलैक्स। ब्रीथ करें, स्टमक को पूरा स्क्वीज करें, ग्लूट्स को स्क्वीज करें एंड देन रिलैक्स। फिर से रिपीट करें, एटलीस्ट 10 टू 15 टाइम्स ये एक्सरसाइज आप करें और 3 के सेट्स में ये एक्सरसाइज को आप रिपीट कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी वो तीनों एक्सरसाइजेज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपकी मम्मी टमी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एज अ बिगनर आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज रहेंगी ये, तो डू गिव इट अ ट्राई। और आपके क्या फीडबैक हैं आप मुझे मेरी वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।